एमआईएम के साथ अलायंस ही कुछ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, एक ऐसी पैरेलल लाइन जो कभी मिलेगी। वो लोग अपनी मनमानी जो चाहे करा लेते हैं, हम कोर्ट का जजमेंट लेके भागते रहे कि साहब देखिए कोर्ट ने ऐसे फैसले किए हैं, इस केस में ऐसे ऐसा मैटर है, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। मैं एमएलए होने के बाद भी ये बात कह रहा हूँ कि आजकल जो है पुलिस के यहाँ प्रेशर पड़ता है तो पुलिस भी परेशान होकर के उन्हीं की बात सुनती है। जो लोग इंसाफ करेंगे, कायदे से बात करेंगे, हमारी कम्युनिटी को भी सीटें देंगे तो हम लोग जरूर साथ में रहेंगे। लेकिन अगर ये बातें नहीं सुनेंगे, अवॉइड करेंगे, फिर मरता क्या नहीं करता। मैं वही करूंगा मैं कि मैं 30, 35, 40 सीटें लड़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं उन सीटों पर चुन के आऊँ। देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। वहाँ कुछ होगा, बहाना मिल गया लोगों को एक वहाँ पे। और हमने कल बात उनसे किया, उन्होंने कहा कि मैंने पूरी से पूरी वहाँ पुलिस जो थी, जो जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सख्तियाँ थी वो मैंने कम किया है। और आज का दिन, आज यानी सैटरडे को वो एक मीटिंग कर रहे हैं, दोनों पक्ष को बुलाकर इस मैटर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि देखिए आपने जो उसमें बगैर नाम के अन्य लोगों का नाम लिखा हुआ है, उस नाम पर लोग वहाँ पे बेचारे परेशान हैं, भाग रहे हैं, उनको नहीं मालूम किसको उठा लिया जाएगा। अगर वो लोग जो हैं जिसका नाम दे देंगे उसको आप उठा लेंगे, तो बोले नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, हम बिल्कुल जिनका इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा वही उठाए जाएंगे और कम से कम उठाए जाएंगे। ये बातें उन्होंने मुझे कल किया है। देखिए ऐसा है ना कि मुझे नहीं बल्कि पूरे देश को मालूम है कि मुसलमानों को परेशान करके ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि जितनी ज्यादा सांप्रदायिकता करेंगे उतनी ज़्यादा हम चुन कराएंगे। लेकिन अब की बार सर जनता ने इनको मुंह पे थप्पड़ मारा है। मुझे लगता है कि आगे कुछ ना कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी ने जिनकी 5 सीटें थी वो 37 सीटें चुनकर यूपी में आई है। ये प्रेशर बनेगा और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि सांप्रदायिक शक्तियाँ ख़त्म होंगी, हम सब मिलजुल करके एक साथ खड़े होकर के हम अगर वोटिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो जुल्म ज्यादती है वो ख़त्म होगा। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि आज यहाँ पर कानून नाम की चीज़ बहुत कम बची है। जो सत्ता पक्ष में है ना, वो लोग अपनी मनमानी जो चाहे करा लेते हैं। हम कोर्ट का जजमेंट लेके भागते रहे कि साहब देखिए कोर्ट ने ऐसे फैसले किए हैं, इस केस में ऐसे ऐसा मैटर है, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं। मैं एमएलए होने के बाद भी ये बात कह रहा हूँ कि आजकल जो है पुलिस के यहाँ प्रेशर पड़ता है तो पुलिस भी परेशान होकर के उन्हीं की बात सुनती है जो लोग सत्ता पक्ष में है। हम कोशिश करते हैं, करेंगे, अभी असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, जो जो इश्यूज आए हैं उसको उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये चीज कम हो। महाराष्ट्र में विधानसभा के कितने सीटें समाजवादी पार्टी लड़ाएगी? समाजवादी पार्टी औरंगाबाद तो जरूर लड़ेगी, ये पक्का है कि समाजवादी पार्टी औरंगाबाद के 2 सीट में चाहे दोनों सीट या 1 सीट 100% लड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि हमारा अलायंस हो जाए, अलायंस से वोटों का बंटवारा ना हो और लोग एक साथ होकर के 1-to-1 फाइट हो, ये कोशिश होगी। अब जो बड़ी पार्टियां यहाँ पर कांग्रेस हैं और शिवसेना के जो है उद्धव ठाकरे साहब हैं, शरद पवार साहब हैं, अगर ये लोग इंसाफ करेंगे, कायदे से बात करेंगे, हमारी कम्युनिटी को भी सीटें देंगे तो हम लोग ज़रूर साथ में रहेंगे। लेकिन अगर ये बातें नहीं सुनेंगे, अवॉइड करेंगे, फिर मरता क्या नहीं करता। मैं वही करूंगा मैं कि मैं 30, 35, 40 सीटें लड़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं उन सीटों पर चुन के आऊँ। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, एक ऐसी पैरेलल लाइन जो कभी मिलेगी नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर जो अभी एक इशू चालू है आरक्षण को लेकर, दो समाज आमने सामने, तो आपको लगता है कि सरकार दोनों को जानबूझकर आगे कर रही है आमने सामने? नहीं नहीं, बिल्कुल सरकार लड़ना चाहती है, लेकिन मैं सबसे पहले आने वाले असेंबली के इलेक्शन में तमाम वो लोग जो सेकुलर हैं मुसलमानों के साथ साथ, वो कांग्रेस उद्धव जी और एनसीपी के शरद पवार साहब से मिलकर ये वादा ले लें उनसे कि आप लोगों ने ही इसमें उद्धव जी को छोड़ करके 2 पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी, इन्होंने ही ये मुसलमानों के रिजर्वेशन का बिल लाया था, आपने लाया था और आपने हमें यकीन दिलाया था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और आपने नहीं दिया। अब अगर चुन के आप आए तो आप इन राइटिंग लिख कर दीजिए कि आप आते ही फौरन हमारे को रिजर्वेशन देंगे, और नहीं देंगे ना तो हम आपका बाइकआउट करेंगे। जी बोलिए। मैं पूरे महाराष्ट्र में नज़र रखे हुए हूँ कि पार्टी बढ़ाने के लिए जो अच्छे लोग हैं उनको लाया जाए, जो लोग
समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आजकल क्या ना कि माफ करना, बुरा नहीं मानना चाहिए वर्करों को, सत्ता के लोभी हो गए हैं लोग। सत्ता जहाँ रहेगी वहाँ रहेंगे और आइडियोलॉजी भूल चुके हैं लोग। आइडियोलॉजी पर रहना चाहिए। MLA MP मिनिस्टर ये लीडर नहीं है, लीडर बनो, लीडर कौम के लिए काम करो, मुल्क के लिए काम करो। और MLA गांधी जी MLA नहीं थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बार जीते थे, दूसरी बार बाई इलेक्शन में आए, फिर इंतकाल हो गए, पूरी दुनिया में सोशलिज्म में मशहूर हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जीते नहीं, राज्यसभा गए थे, लेकिन लीडर हैं, पूरे दुनिया में उनका नाम है। इसी तरह से मैं वर्करों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग डट करके काम कीजिए देश के लिए और आपसी भाईचारगी को बनाए रखिए। इसी तरह रियाज देशमुख साहब हैं, मैंने इनसे कई बार रिक्वेस्ट किया, ये खुद आए नहीं, मैंने इनको बुलाया कि देशमुख साहब आप रिटायर हो चुके हैं, मैं जानता था आप काम करते थे, अच्छे आदमी थे आप, आपके आने से एक मिल्लत को, कौम को, मुल्क को फ़ायदा होगा, आप रिटायर होकर साथ काम कीजिए। और इन्होंने आज वादा किया कि मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, ये शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और बात थैंक यू। क्या हुसैन साहब, आपका चैनल औरंगाबाद तक मुझे अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना, जो दिल्ली में जो तलवे चाट मीडिया वाले उस तरह से नहीं, आप किसी से डरेंगे नहीं, डरेंगे सिर्फ अल्लाह से डरेंगे। और आप ईमानदारी के साथ सच्चाई को आप बढ़ाते रहिए और आपका चैनल एक दिन बहुत बड़ा चैनल बने, ये मेरी दुआएं आपके लिए।